दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपके बैंक अकाउंट के साथ आधार केवाईसी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसको आप कैसे चेक करेंगे। चाहे आपके किसी भी बैंक में अकाउंट हो, आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि आपके बैंक के साथ आधार केवाईसी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके बैंक अकाउंट के साथ आधार केवाईसी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है UIDAI। जैसे ही आप UIDAI लिख के सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाले जो लिंक आएगा UIDAI का, आपको सिंपली उसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड कर लेना है। डेस्कटॉप साइड करने के लिए यहाँ पे आपको 3 डॉट देखने को मिलेंगे, आपको सिंपली उसी 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइड लिख के आएगा, आपको सिंपली उसी पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड कर लेना है। और इसके बाद यहाँ से आप अपने लैंग्वेज को चूज करना है, किस लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करेंगे और इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको एड देखने को मिलेंगे, आपको सिंपली यहाँ पे क्रॉस के ऑप्शन में क्लिक करके इसको यहाँ से हटा देना है। और इसके बाद थोड़ा इसको हम जूम करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शंस देखने को मिलेंगे आधार सर्विसेज। तो आपको करना क्या है, सिंपली आधार सर्विसेज के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इस पेज को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार लिंकिंग स्टेटस का एक ऑप्शन, आपको सिंपली आधार लिंकिंग स्टेटस के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप माय आधार पेज पर आ जाएंगे और इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे माय आधार पेज पर आपको लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के लिए यहाँ पे लॉग इन के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली आपका जो आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो हम यहाँ पे आधार नंबर को एंटर करेंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पे कैप्चा देखने को मिलेंगे, आपको सिंपली उसी कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और इसके बाद सिंपली लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने कैप्चा फिल कर दिया और इसके बाद सिंपली लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ चुके हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो उस ओटीपी को हम यहाँ पे एंटर करेंगे और इसके बाद लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो मैंने ओटीपी फिल कर दिए है, आप जस्ट लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप माय आधार पेज पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस देखने को मिलेंगे बैंक शेडिंग स्टेटस, आपको सिंपली उसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंग्रेचुलेशंस का एक मैसेज शो हो रहा है और यहाँ पे लिखा आ रहा है योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन और इसके ठीक नीचे यहाँ पे आपका आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे शो हो रहा है और इसके नीचे आपका जो बैंक है उस बैंक का नाम शो हो जाएगा और इसके नीचे यहाँ पे बैंक शेडिंग स्टेटस जो है वो एक्टिव है ये या फिर डीएक्टिव है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर एक्टिव है तो उसी बैंक अकाउंट के साथ आपके आधार कार्ड लिंक है और ये फिलहाल एक्टिव है, ठीक है। और अगर यहाँ पे डीएक्टिव लिखा आ रहा है तो इसका मतलब आपको दोबारा केवाईसी करनी होगी। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट के साथ आधार केवाईसी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।